वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड सिक्स बच्चों आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर ट्वेंटी फाइव द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम सो लेट्स स्टार्ट तो बच्चों आज हमने ये पढ़ना है कि कैसे डिफरेंट लीडर्स ने जो कि सब कॉन्टिनेंट में रहते थे उन्होंने ये एफर्ट की थी कि हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है जब मुग़लों की हकूमत हम पर से ख़त्म हुई तो उसके बाद बहुत से लोग आए जिन्होंने हकूमत की कोशिशें की और वो आपस में ही लड़ते रहे आफ्टर द much ऑफ द मुग़ल subcontinent as princes स्ट्रगल फॉर पावर यानी कि मुग़ल एम्पायर जब खत्म हुआ कोलैप्स हम कहते हैं किसी चीज़ का गिर जाना ख़त्म हो जाना सो आफ्टर ऑफ द मुग़ल एम्पायर देर वॉज मच फाइटिंग इन द सब कॉन्टिनेंट तो फिर बड़े सगीर में बहुत सी लड़ाइया हुई एस प्रिंसेस स्ट्रगल फॉर पावर क्योंकि जो मुख्तलिफ प्रिंसेस थे किंग्स थे शहजादे थे वो आपस में लड़ना शुरू हो गए फॉर पावर ताकत के लिए वन ऑफ ऑफ द मोस्ट दीज हैदर अली और इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो कौन था हैदर अली वाइस यानी कि वो बहुत समझदार था इफेक्टिव असर पुर असर होना हम किसको कहेंगे जिसकी हकूमत का एक असर हो जिसकी लोग बात सुनते हो एंड अ जस्ट रूलर जस्ट वर्ड जस्टिस से यानी कि जो लोगों को इंसाफ मुहैया करता हो एंड अ फाइन जनरल एज वेल अब वो अपनी आर्मी को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता था ही हेटेड द ब्रिटिश हुम ही सॉ एज अ राइजिंग पावर इन द सब अब वो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू किया क्योंकि उनको यहाँ का सिल्क यहाँ के स्पाइसेस पसंद थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पर अपनी सेटलमेंट्स बना ली लेकिन जो हैदर अली था उसको ब्रिटिशर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि वो जानता था कि ये आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ जाएंगे और फाइनली हम पर हुकूमत करने की कोशिश करेंगे ही सुल्तान ब्रिटिशर्स और उसने अपने बेटे टीपू सुल्तान जो के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है उसको भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर्न किया था यानी कि उसको ये बताया था कि तुमने ब्रिटिशर्स से बच कर रहना है और इनको हुकूमत में नहीं आने देना बल्कि हमेशा इनके खिलाफ ही जाना है हैदर अली डवनटीन ऐटी टू तो हैदर अली की डेथ काबोई टीपू सुल्तान वॉज वेरी मच लाइक हिज फादर बट इवन अटम जनरल अब टीपू सुल्तान में भी अपने बाप की तरह बहुत सी क्वालिटी थी लेकिन वो और भी ज़्यादा अच्छा जनरल था यानी कि वो अपनी आर्मी को और भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता था इसके अलावा टीपू सुल्तान की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो बात को समझता था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे जिद्दत आती है चीजों में, में. और वो इस चीज का ख्याल रखता था कि उसके पास भी जो वेपन है उसकी आर्मी के पास जो वेपन है वो जदीद हो और वो हमेशा ये कोशिश करता रहता था कि वो इस जिद्दत को अपने वेपन में लेकर आए वो ये कोशिश करता था कि अगर उसने जंगे लड़नी है तो उसके पास जो वेपन है जो हालात है वो भी जदीद होने चाहिए His main aim in life was to free the subcontinent of all foreigners. उसका सबसे बड़ा मकसद क्या था जिंदगी का He wanted to free the subcontinent, कॉन्टिनें वो बड़े को आजाद करवाना चाहता था of all foreigners, तमाम foreigners से यानी कि जो दूसरे रीजन से लोग आए हुए थे जैसे कि ब्रिटिशर्स हो गए डच हो गए पोर्चुगेज हो गए इन से वो बड़े को आजाद करवाना चाहता था वो चाहता था कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ के लोग ही हकूमत करें आफ्टर मल्टीपल वॉर्स फिर बहुत सी जंगें हुईं टीपू सुल्तान में और ब्रिटिशर्स में ही वॉज फोर्स टू साइन अ ट्रीटी गिविंग हाफ ऑफ हिज किंगडम उसको इस बात पर मजबूर कर दिया गया कि वो एक ट्रीटी साइन करे एक मुआदे पर सिग्नेचर करे गिविंग अवे हाफ ऑफ हिज किंगडम जिसके नतीजे में उसको अपना आधा किंगडम देना पड़ा कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को और कुछ निजाम ऑफ हैदराबाद को टीपू वाज नाउ इन अ डेस्परेट पोजीशन बट डिटरमिन्ड टू फाइट ऑन अब टीपू सुल्तान बहुत ही गुस्से में था डेस्परेट पोजीशन आप कहते हो जब आप कुछ करना चाहते हो आपको गुस्सा होता है लेकिन किसी न किसी हद तक आप बेबस होते हो आप कुछ कर नहीं पाते बट डिटरमिन्ड टू फाइट ऑन लेकिन वो इस बात पर पुख्ता था पक्का था कि उसने लड़ाई नहीं छोड़नी यानी कि उसने हिम्मत नहीं हारनी वो सब कॉन्टिनेंट को तमाम फॉरेनर्स से खास तौर पर ब्रिटिश से आजाद करवाना चाहता था ही tried टू गेट हेल्प from अरेबिया Turkey, एंड अफगानिस्तान बट नन केम उसने बहुत कोशिश की कि उसको मदद मिल जाए फ्रॉम अरेबिया टर्की एंड अफगानिस्तान लेकिन इनमें से कोई भी आर्मी उसकी मदद के लिए नहीं आई वाइल डिफेंडिंग फोर्ट वो मुसलसल जंगें लड़ता रहा आखिरकार एक जंग में उसको उसके किले तक महदूद कर दिया गया उसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं आ रही और वो एक लंबे अरसे तक अपने किले से भी लड़ता रहा लेकिन आखिरकार उसके किले पर भी ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया एंड वाइल डिफेंडिंग हिज फोर्ट और वो अपने फोर्ट को डिफेंड करते हुए मारा गया वॉर्स ब्रोक आउट ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट हम कहते हैं जो ऑक्यूपाय करता है कब्जा करता है किसी जगह पर वॉर्स ब्रोक आउट ऑल ओवर इंडिया उसके बाद पूरे इंडिया में अब बच्चों आपको ये याद रहे कि पहले इंडिया और पाकिस्तान एक थे जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग अलग नहीं हुए थे बल्कि इस पूरे रीजन को ही इंडिया कहा जाता था इसीलिए यहाँ पर लिखा है वॉर्स ब्रोक आउट ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में जंगें शुरू हो गई क्योंकि लोगों को ये बात समझ आना शुरू हो गई कि ब्रिटिशर्स उनके हक हाँ में बेहतर नहीं थे और इसीलिए उन्होंने ये कोशिश करना शुरू कर दी कि जो फॉरेनर्स हैं उनको यहाँ से निकाला जाए और बहुत सी जंगें शुरू कर दी गई लेकिन जितनी भी जंगे लड़ी गई उन सब का पैटर्न एक ही था यानी कि जो काम करने का तरीका था वो एक ही था सिमिलर पैटर्न और वो पैटर्न क्या था ब्रिटिश सीम ब्रिंग बेटर वेपन्स इन द फाइनल बैटल बहुत सी जंगे होती थी और इंडियंस जीतते भी थे लेकिन जो आखिरी जंग होती थी नॉर्मली उसमें ब्रिटिशर्स कोई ना कोई ऐसे आलात ले आते थे ऐसे वेपन्स ऐसे असले जो कि इंडियंस के पास नहीं होते थे या उनको ऑपरेट करना नहीं आते थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स एंड पे जीत जाते थे उनकी फौजें भी ज़्यादा थी उनकी फ़ौजों की तादाद ज़्यादा थी इसके अलावा उनके पास जो इक्विपमेंट था वो बहुत जदीद था मैंने आपको पहले भी बताया कि टीपू सुल्तान की ये बहुत बड़ी खूबी थी कि वो हमेशा ये कोशिश करता था कि उसकी फौजों के पास जो वेपन्स हैं वो जदीद हों लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिशर्स हर वॉर के एंड पे कोई ना कोई ऐसे वेपन्स ले आते थे कोई ना कोई ऐसा इसल्य ले आते थे जिसका इंडियंस को नहीं पता होता था उनको ऑपरेट करना नहीं आता था जिसकी वजह से इंडियंस जंग हार जाते थे तो बच्चों बाकी की हिस्ट्री आपको मैं बताऊंगी अगले लेक्चर्स में आपने इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है और इसके अलावा बच्चों टीपू सुल्तान पर हैदर अली पर और जो सब कॉन्टिनेंट का कब्जा था वो कैसे ब्रिटिशर्स के हाथ में गया इस पर बहुत अच्छी अच्छी एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्रीज इंटरनेट पर मौजूद हैं अगर आप मजीद चीज़ों को इन डिटेल्स समझना चाहो तो आप वो डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़